हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं वो यूज करने चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन। तो देखिए, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड बुक ही आता है। जैसे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड बुक के थ्रू ही जाना है। आपको ऐसा नहीं है कि किसी लोकल बुक के थ्रू जाना है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक है इसमें आपको एक तो डेप्थ ऑफ कवरेज जो CSIR के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्लस में आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पूरे आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इसके साथ जो सेकंड रिसोर्सेज होता है दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जब भी आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करने बैठे तो एक तो स्टैंडर्ड बुक आपके हाथ में होनी चाहिए और दूसरे हाथ में आपके होने चाहिए PYQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिनको आप एनालाइज करेंगे, कुछ आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं बच्चे खुद से बैठ के, अच्छा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो भी। इसके अलावा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म तो आपको अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान मतलब कुछ ना कुछ वहां से पढ़ना है। अब आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, आप कैसे, जरूरी नहीं है कि आप सब्सक्रिप्शन लेके ही पढ़े। आप चाहें तो सिंपल तरीके से, भाई बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कुछ ना कुछ मटेरियल, फ्री मटेरियल मिल जाएगा। कुछ कहीं एक प्लेटफॉर्म से कुछ इंफॉर्मेशन दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ के आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब फोर्थ जो है दैट इज रिसर्च, जर्नल एंड पेपर। तो आजकल जो हमने अपडेट देखा कि जो CSIR है वो कैसे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन पूछता है, तो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन जब पूछता है तो पहला क्वेश्चन आता है कि आपको किस तरीके के पेपर्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि पेपर तो मतलब वास्ट तरीके से आप पढ़ने जाएंगे तो मतलब आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी रिसर्च पेपर पढ़ने में। तो आपको करना क्या है, आपको केवल जो आपके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कंसेप्ट वाले पेपर हैं वो आपको पढ़ने हैं। मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंटल पेपर अगर आपको बहुत मन हो रहा है पढ़ने का, आपको पढ़ना है, तो जो एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है, जैसे आजकल क्या जीन थेरेपी है, कैंसर के लिए आपकी कीमोथेरेपीज है, तो ये एक तरीके का एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव है जिसके थ्रू क्या है आप अप्लाई कर रहे हैं और उसके थ्रू आप किसी डिजीज को जो है प्रॉपर खत्म कर रहे हैं। तो इस तरीके के आपको रिसर्च पेपर पढ़ने हैं। आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि भाई आपको PhD में कैंसर पे काम करना है तो आप कैंसर के जीन देखने लगे, आप प्रोटीन देखने लगे, नहीं। आप जब भी पेपर चूज करें तो वो आपके होने चाहिए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कंसेप्ट। तो अगर आप CSIR के लिए पढ़ना चाहते हैं तो जितने भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए वो पूरे आपके एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च पेपर से पूछे गए हैं। डिजिटल लाइब्रेरी की अगर आप बात करें तो डिजिटल लाइब्रेरी भी एक आपका अच्छा सोर्स है, जिसमें क्या क्या आता है, आपके रिसर्च पेपर आ जाते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, आपकी एडिशनल रीडिंग मटेरियल आती है। जैसे CSIR में कई बार अपडेटेड एप्लीकेशन भी पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए आप ये प्रेफर कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट अगेन ऑप्शनल है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वेदमी के साथ भी जुड़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वेदमी पर CSIR का कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आप स्टडी ग्रुप की बात करें तो आपको करना क्या है कि जैसे टेलीग्राम चैनल एक वेदमी का भी है, तो आप यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको काफी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। कई बार बहुत सारी बुक्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जो हम शेयर करते रहते हैं, तो आपको यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑनलाइन फोरम है, अगर आप, बहुत से ऐसे ऑनलाइन भी आपके ऑनलाइन ग्रुप होते हैं जहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। एजुकेशनल वेबसाइट है, इसका मतलब ये है कि होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आपको फ्री रिसोर्स, क्विज होते हैं, स्टडी मटेरियल और ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होते हैं, थोड़ा सा एक्सेस करिए। फिर इसके बाद फ्लैश कार्ड है, नोटबुक है, तो ये भी आपका रिसोर्स हो सकता है आपकी पढ़ाई करने के लिए। मॉक टेस्ट सीरीज, बहुत सी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट है जो फ्री मॉक टेस्ट सीरीज देती है। जैसे वेदमी के वेबसाइट पे भी बहुत सारे आपके फ्री क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिजिटल टूल में जैसे आपका एवरनोट है, OneNote है, गूगल डॉक है, इन सब को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। YouTube ट्यूटोरियल आपका बेस्ट है विजुअल एक्सप्लेनेशंस के लिए, जहां पर आप वीडियोज को देख सकते हैं। गवर्नमेंट पब्लिकेशन, अब CSIR में बहुत सा कैसा अपडेटेड या रिपोर्ट बेस्ड, स्पेशली जब हम डाइवर्सिटी यूनिट 9 की बात करें तो बहुत क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं आपके रिपोर्ट के बेसिस पे। तो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस पर जाइए, अगर कोई न्यू पॉलिसीज आई हैं जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या संरक्षण वगैरह उनसे रिलेटेड है, तो वो आपका मटेरियल काम में आएगा। तो इस तरीके से ये कुछ रिसोर्सेज थे। तो मेन रिसोर्सेज आपके स्टैंडर्ड बुक होते हैं, आप ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। थर्ड होता है आपका रिसर्च आर्टिकल, जो आपको केवल और केवल एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ना है, और उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट, अगर कोई न्यू रिपोर्ट्स आई हैं तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। आपके फ्लैश कार्ड है, आपके एवरनोट है, वन नोट है, तो इनके थ्रू भी जो है आप ये रिसोर्सेस ले सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी रिसोर्सेस के ऊपर। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।